हमारा जीवन हमारे पेरेंट्स से मिला है, हमारे माँ बाप से मिला है, संस्कार उन्होंने दिया है, पालन पोषण उन लोगों ने किया है, सब कुछ हमारे पेरेंट्स ने दिया है, तो फिर डिप्रेशन का वजह कोई और क्यों? कोई दूसरा हमें डिप्रेस कैसे कर सकता है? किसी दूसरे का अधिकार नहीं है जो हमें डिप्रेशन में डाले। अगर हम डिप्रेशन में पड़ते हैं तो ये हमारी गलती है, किसी और के वजह से। कोई और आपको चाहेगा डिप्रेशन में डालना, फिर आप क्यों डिप्रेस होंगे जब सारी चीजें आपके माँ बाप के द्वारा आप जो तैयार हुए हैं, आप जो बिल्ड हुए हैं, उसमें 100% योगदान आपके गुरुजनों का, आपके गार्जियन का है, तो फिर दूसरा डिप्रेशन का कारण नहीं बनना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज तिवारी है और मुझे आप लोगों से कुछ बातचीत करनी थी। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 137 करोड़ के आसपास है और इस 137 करोड़ में एक खासा प्रतिशत किसानों का भी आता है और एक खासा प्रतिशत विद्यार्थियों का भी आता है। भारत में किसानों की स्थिति अभी यह है कि प्रत्येक एक घंटे में एक किसान सुसाइड करता है और प्रत्येक एक घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है। इसका रीजन क्या हम लोग कभी सोचते हैं? क्या हमने कभी इस पर विश्लेषण किया? क्या हमने इस पर चिंतन किया? क्या हमने इसको कभी गहराई से देखा? नहीं देखा। अभी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का खबर सुनते ही हम लोग शॉक्ड हुए कि एक अरे ये क्या, जिसके पास सब कुछ है वो क्यों सुसाइड करेगा? तब माइंड किसानों की तरफ जाता है और उसके बाद फिर विद्यार्थियों की तरफ आता है, दोनों तरफ, और उसमें माइंड हमारा जकड़ जाता है कि सुसाइड के कारण क्या हो सकता है, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के कारण क्या हो सकता है, हमारे किसान जो सुसाइड कर लेते हैं उनका सुसाइड के कारण क्या हो सकता है, हमारे विद्यार्थी भाई जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनका कारण क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा। एक छोटी सी कहानी हमको याद आ रही है, कहानी नहीं है, मेरे घर के बगल का एक एग्जाम्पल है। मेरे पड़ोसी में एक देखा गया कि हमारे गांव की एक काम करने वाली महिला है, वो उनके घर पे जाके काम करती है, तो एक दूसरी थी उससे वो काम नहीं कराई। मैंने पूछा क्या कारण है, तो पता चला कि वो 100 रुपया लेती है और जो ज्यादा गरीब थी उसको ये लोग 80 रुपया देकर के काम करा रहे थे। इसका मतलब स्पष्ट है कि जब हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं ना, जब हम किसी से अधिक शर्म करने लगते हैं, जब हम अपने हक का नहीं लेते हैं, तो सामने वाला हमें दबाता है और ये दबाएगा, हमेशा दबाएगा। जब हम किसी पे डिपेंड होंगे सामने वाला दबाएगा। विद्यार्थी लोग जब तक डिपेंड होते रहेंगे तब तक सुसाइड करेंगे। खुद पे डिपेंड होना है, जिसे आत्मनिर्भर का नाम दिया जा रहा है, खुद पे डिपेंड होना है। सुशांत सिंह राजपूत के नजर में सलमान खान भारत के सबसे बड़े एक्टर दिख रहे होंगे, दुनिया के नजर में नहीं हो सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के नजर में करण जौहर सबसे बड़े डायरेक्टर हो सकते थे, लेकिन ऐसा है क्या? भारत की जनसंख्या 137 करोड़ के आसपास है, क्या इसमें वही सलमान खान करण जौहर टाइप के ही लोग बस वही है और कुछ नहीं है? सुशांत सिंह राजपूत ने गलत कदम उठाया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत कौन ऐसा काम है जो नहीं कर सकते थे, जो सलमान खान कर सकता है या करण जौहर कर सकता है? लेकिन उनसे मिस्टेक हुई और एक गलती क्या थी कि उन्होंने किसी को भगवान मान लिया, वो किसी पर डिपेंड हो गए थे, उनका माइंड किसी पर डिपेंड हो गया था और बॉस मान बैठे थे कि जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और उससे मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूं। उन्हें सोचना चाहिए था कि वो सब कुछ कर सकते हैं, ये जो लोग हैं उनसे काफी ऊपर जा सकते हैं और उनसे बड़ा काम कर सकते हैं। थोड़ा संघर्ष करना होता, संघर्ष तो करना पड़ेगा, हम जितना संघर्ष से भागेंगे ना उतना ही कोई हमारा पीछा करेगा और हमें दबाने का कोशिश करेगा। हम दबते 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 जाकर के सुसाइड करना पड़ता है। हमारे किसान को ऐसे स्थिति में हमारे किसानों को जाना होगा, हमारे किसान भाई लोगों को, कि जो जिन पे गवर्नमेंट भी डिपेंड हो, सरकार पे डिपेंड होकर के, गवर्नमेंट पे डिपेंड होकर के जब वो सुसाइड करते हैं ना,
कई कारणों से, और विद्यार्थी लोग नौकरी के तलाश में जब नहीं मिलती है तो सुसाइड करने का मन करता है ना। अरे क्रिएटर बनो ना, क्यों भागते हो नौकरी के पीछे? नहीं मिली तो नौकरी क्रिएट करो ना, नौकरी देना सीखो ना। कितना लेने के लिए प्राण दोगे और सुसाइड करोगे? नौकरी मिली तो अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल उल्टा करो, नौकरी देना सीखो। और सुसाइड उसाइड क्या, अपना जीवन हमें जो मिला है उसको जीना है ना। किसी दूसरे को बॉस मान करके, किसी दूसरे को बहुत बड़ा मान करके, इतने बड़े देश में कोई दो आदमी चार आदमी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल, हमारे रोल मॉडल हमारे माँ बाप हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे गुरुजन हैं, और कौन है हमारा रोल मॉडल? नहीं ऐसे करना है, कभी भी गलत कदम उठाइए मत। विश्लेषण कीजिए एक बार, किस रास्ते पर जा रहे हैं, गधों की चाल में हम क्यों चले? थोड़ा सा अलग सोचना होगा, थोड़ा सा अलग करना होगा। बहुत बहुत